हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज हम बात करेंगे इन्हीं प्लेटफॉर्म के न्यू अपकमिंग टीवी शोज, मूवीज के अपडेट के बारे में कि कौन कौन सी हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज हो रही है या कौन सी कमिंग सून में है। साथ ही साथ बात करेंगे न्यू अनाउंसमेंट के बारे में और सेट इमेजेस के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। इसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और देन ये कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, जैसी कन्फर्मेशन होगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की न्यू अपकमिंग टीवी सीरीज मॉन्स्टर वर्क, जो कि ऑलरेडी इसकी पहले फिल्में भी आ चुकी हैं और अब इसके ऊपर टीवी सीरीज बन रही है। तो उसका फर्स्ट लुक रिलीज करा गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस यही कहूंगा कि अगर हिंदी में रिलीज हो तो और ज्यादा मजा आए। अमेजॉन प्राइम पर फैमिली मैन सीजन 2 4 जून को रिलीज होगा। ट्रेलर आउट हो चुका है, फर्स्ट पोस्टर भी रिलीज हो चुका है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो अब जाके इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। उसी के साथ धनुष की जो न्यू मूवी आई है वो तमिल लैंग्वेज में है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर। हिंदी का कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। नेटफ्लिक्स की हु किल्ड सारा सीजन 2 ऑफिशियली हिंदी में आ चुका है। पहला सीजन ऑलरेडी है ही है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कुछ नया देखना है। उसी के साथ कोरियन की एक टीवी सीरीज है मूव टू हेवन, जो कि नेटफ्लिक्स पे अभी हाल ही में हिंदी में रिलीज हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रोमांटिक है और दिल छूने वाली कहानी है। उसी के साथ अमेज़न प्राइम पर आपको देखने को मिल जाएगी वंडर वुमन 1984, जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज हो चुकी ऑफिशियली, जो आपको बुक माई शो पे भी मिल जाएगी, पर अमेज़न प्राइम पर आप इसे इजीली देख सकते हैं। लोकी का एक ब्रांड न्यू लुक रिलीज करा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है और ऐसा लग रहा है इसे शायद फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट टाइम पकड़ा गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसी के साथ अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की न्यू अनाउंसमेंट। तो एनेला होम्स पार्ट 2 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और हेनरी कैविल शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर लिए दोबारा रिटर्न होंगे। और उसी के साथ जंगल बीट द मूवी, जो कि नेटफ्लिक्स की एनिमेशन मूवी है, ये हिंदी में आ चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर घर में आपके कोई फैमिली में बच्चा है तो। उसी के साथ स्वीट होम, जो कि डीसी कॉमिक के ऊपर बनी एक न्यू ब्रांड न्यू टीवी सीरीज है, जो कि नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी। और देन उसी के साथ अगर आपको फुल लिस्ट चेकआउट करनी है तो आप मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अवेक, जो कि ब्रांड न्यू अपकमिंग एक फिल्म है, बहुत ही कमाल की है, हिंदी में रिलीज होगी, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, ट्रेलर भी आउट हो चुका है, अब चेकआउट कर सकते हैं। लव दैट प्लस रोबोट सीजन 2 ऑफिशियली हिंदी में आ चुका है, अब जाके चेकआउट कर सकते हैं। सीजन 1 ऑलरेडी हिंदी में है ही है। उसी के साथ अगला अपडेट है डिज्नी प्लस से रिलेटिव। तो फाइनली डिज्नी प्लस के 100 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा योगदान इंडिया का है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अल्ट्रामैन के ऊपर भी एक टीवी सीरीज बनाएंगे। जी हाँ, तो ये बहुत ही कमाल की है और ये कोरियन का कैरेक्टर है, जो कि एक सुपर हीरो है। देन उसी के साथ डिज्नी प्लस ने कंफर्म कर दिया कि अगस्त के महीने में रिलीज होगी व्हाट इफ, जिसमें कि हमें मल्टीवर्स कैरेक्टर देखने को मिलेंगे अपोजिट, जो कि बहुत अच्छी बात है और नया डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया लूपिन पार्ट 2, जिसका सीजन 2 आपको हिंदी में देखने को भी मिलेगा और उसी का सीजन 1 ऑलरेडी हिंदी में है ही है। उसके साथ अगली मूवी है आर्मी ऑफ डेड, जो कि बहुत ही कमाल की है, ये हिंदी मूवी में रिलीज होगी। और देन बहुत ही कमाल की है जैक स्नाइडर की और जॉम्बी टाइप मूवी मुझे पसंद भी है। मूवी इन द विडो फाइनली ऑफिशियली हिंदी में रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पुरानी मूवीज़ के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स में अभी हाल ही में हिंदी में रिलीज हुई है, जिसमें कि सबसे एंडलेस लव, जो कि बहुत पुरानी मूवी है पर रोमांटिक है और अभी अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स में हिंदी में रिलीज हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ ब्रैड पिट की एक ब्रांड न्यू मूवी, जी हाँ काफ़ी पुरानी है पर अभी नेटफ्लिक्स पे अभी हाल ही में रिलीज हुई है, बाय द शी, तो देखिएगा ज़रूर। और देन अगर आपके पास कुछ नहीं है देखने के लिए तो ये मूवी सही है। 2015 में रिलीज हुई होम मूवी, फाइनली ये भी हिंदी में नेटफ्लिक्स पर डब हो चुकी है और रिलीज भी हो चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एक ब्रांड न्यू टीवी सीरीज है जीनी एंड जॉर्जिया, जो कि नेटफ्लिक्स में हिंदी में है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपकमिंग के बारे में। तो फाइनली केविन हंट, जो कि कॉमेडियन एक्टर है, उनकी एक मूवी आ रही है फादरहुड, जो कि हिंदी में कन्फर्म हो चुकी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तो जैसी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा और जून के महीने में ये रिलीज होने वाली है। हाई स्कूल म्यूजियम की न्यू सीरीज है वो ऑफिशियली सीजन 2 उसका आ चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं शूटिंग अपडेट के बारे में। तो मिस मार्वल जो अपकमिंग टीवी सीरीज है, फाइनली शूटिंग खत्म हो चुकी है, रैप हो चुकी है और देन जल्दी से रिलीजिंग डेट का इंतजार करते हैं कि कब ये रिलीज होगी। लोकी का ऑफिशियली न्यू पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जो कि बहुत ही कमाल का लग रहा है और ये टीवी सीरीज हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज होगी, आपसे बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में हर बार पूछते हैं। देन उसी के साथ रेजिडेंट एविल की न्यू एनिमेशन टीवी सीरीज आने वाली है, जो कि बहुत ही कमाल की है, अभी हिंदी का कोई भी इसका रिलेटिव अपडेट नहीं है पर जैसी कंफर्मेशन आएगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा। देन उसी के साथ एक और मूवी एडमिशन, जो कि हिंदी में आ चुकी है और देन बहुत ही कमाल की कॉमेडी मूवी, देखिएगा ज़रूर, जिसमें कि हमारे एंटमैन एक्टर भी है पॉल। उसी के साथ अगला सेट इमेजेस है
मनी हाइट्स का, तो फाइनली बहुत ही कमाल का, मैंने देखा चारों पार्ट काफी कमाल के हैं, और देन पार्ट वन अगस्त के महीने में रिलीज होगा और सेट इमेजेस बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। उसी के साथ वॉइस सीजन 3 की भी सेट इमेजेस सामने आई है, और देन इस साल तो ये मुश्किल ही रिलीज होगी, अगले साल के अपडेट आ रहे हैं इसके रिलीज होने के। तो गाइस ये थे वो काफी सारे कमाल के अपडेट। तो गाइस आज के बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।